देन नेक्स्ट आते हैं इन्वेंट्री कॉस्ट ब्रीफली हम लोगों ने डिस्कस भी किया कि किस तरीके से इन्वेंट्री कॉस्ट होते हैं सबसे पहले हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट प्रोडक्ट मटेरियल को फैक्ट्री या वेयर हाउस तक लाने के जो कॉस्ट होते हैं परचेज कॉस्ट ऑफ रेट उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया इन्वेंट्री को जब मेंटेन करेंगे तो उसकी भी कॉस्ट इंकर होगी जिससे हम कहते हैं इन्वेंट्री कॉरिंग कैरियंग कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट देन आउट ऑफ स्टॉक और शॉर्टेज कॉस्ट देन कुछ अलग तरीके की कॉस्ट होती हैं तो एक बार सारी कॉस्ट हम लोग एक एक करके डिटेल में समझते हैं सबसे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट कि इन्वेंट्री से रिलेटेड ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होते हैं इट इज द कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग द आइटम एंड सिक्योरिंग इट्स सप्लाइज इट इंक्लूड्स एक्सपेंसिस फ्रॉम रेजिंग द इंडेंट परचेज रिक्विजिशन बाई यूजर डिपार्टमेंट टिल द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल मतलब प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के ऑर्डर करने की क्या कॉस्ट है हर बार ऑर्डर प्लेस करेंगे उसकी क्या कॉस्ट आएगी आपका एक इंटरनल डिपार्टमेंट होगा जो इंडियन ट्रेस करेगा परचेज इक्विजीशन देगा जो यूजर डिपार्टमेंट है उसके बाद मटेरियल आएगा इंस्पेक्शन होगा तो कुछ कॉस्ट फिंग करोगी ना तो आपको स्टॉक की ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है देन नेक्स्ट इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इन्वेंट्री आ गई हमारी फैक्ट्री या वेयर हाउस में आ गई तो उसको स्टोरेज चाहिए होगा स्टोर करनी पड़ेगी वेयर हाउस बल्क में मंगाएंगे स्टोरेज करनी पड़ेगी तो उससे रिलेटेड जो कॉस्ट होंगे उससे हम कहते हैं इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट देखते हैं एक बार इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कॉस्ट इनकर्ड फॉर होल्डिंग द वॉल्यूम ऑफ इन्वेंट्री एंड मेजर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ यूनिट यूनिट कॉस्ट एज अ आइटम यानी कि इसको हम कहते हैं स्टोरेज कॉस्ट भी कहते हैं इट इंक्लूड्स कैपिटल कॉस्ट सोलसेंस कॉस्ट डिटेरियोरेशन कॉस्ट टैक्सेस ऑन इन्वेंट्री इंश्योरेंस कॉस्ट स्टोरेज एंड हैंडलिंग कॉस्ट यानी कि आप फाइनेंस करोगे वर्किंग कैपिटल लोन लोगे तो उस पर फंड्स ब्लॉक होंगे क्योंकि आप इन्वेंट्री को आप इन्वेंट्री को ख़रीद रहे हो आपने पैसा भी किया होगा उससे रिलेटेड जो फाइनेंस कॉस्ट होगी वो भी उसका पार्ट बनेगी देन ऑप्सलेशन कॉस्ट ज़्यादा मतलब इन्वेंट्री मेंटेन होगी जो भी इस पॉइलेज होगी वो भी कॉस्ट का पार्ट बनेगी देन उस पर जो टैक्सेस पे करने हैं वो इन्वेंट्री का पार्ट बनेगी देन इंश्योरेंस कॉस्ट कि इन्वेंट्री अगर हम वेयर हाउस में रखेंगे तो उसका इंश्योरेंस कराएंगे एंड फाइनली स्टोरेज जो रेंट पे करेंगे वेयर हाउस का तो उसकी कॉस्ट ये इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट का पार्ट बनेगी देन आता है नेक्स्ट आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट मेन जो कॉस्ट थी वो दो थी ऑर्डरिंग और स्टोरेज कॉस्ट लेकिन कभी कभी स्टॉक आउट की सिचुएशन जब आ जाती है तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लूज करनी पड़ेगी मतलब स्टॉक नहीं है तो कस्टमर आपका चला जाएगा तो उससे जो प्रॉफिट है अनुनों का वो आप अन नहीं कर पाएंगे तो उसे हम कहते हैं आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट इट इज अ लॉस विच अकर्स और मे अकर ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल यानी कि मटेरियल नहीं है उसकी वजह से हमें ये लॉस इनकर करना पड़ता है इट इंक्लूड्स ब्रेक डाउन इन डिले इन प्रोडक्शन देन लॉस्ट सेल्स बैक ऑर्डरिंग लॉस ऑफ सर्विस टू कस्टमर लॉस ऑफ गुडविल लॉस ड्यू टू लैगिंग बिहाइंड द कंपिटिटर्स यानी कि स्टॉक एडिकेटली अवेलेबल नहीं है उस वजह से जो स्टॉक आउट कॉस्ट होती हैं वो इनकर होती हैं कि कस्टमर लूज हो जाता है स्टॉक नहीं है तो मशीनें चल रही हैं मशीनों का ब्रेक डाउन हो जाता है उस तरीके की कॉस्ट होती हैं उसे हम कहते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट विच, विच विच अकर ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल यानी मटेरियल राइट टाइम पर अवेलेबल जब नहीं होता है तो स्टॉक आउट कॉस्ट इनकर होती है देन लास्ट आता है अदर कॉस्ट उसमें आता है कैपेसिटी ओवर टाइम पेमेंट्स ले ऑफ एंड आइडल टाइम यानी कि वो कॉस्ट जैसे हमारा स्टॉक अवेलेबल नहीं है मतलब स्टॉक की अवेलेबिलिटी नहीं है उसकी वजह से हमारा एम्प्लॉय आइडल बैठा है तो उससे रिलेटेड जो कॉस्ट इंकर हो रही है मतलब स्टॉक के अन अवेलेबिलिटी को लेके कि स्टॉक हमारा अवेलेबल नहीं है एम्प्लॉय आइडल बैठा है तो उससे रिलेटेड जो कॉस्ट है देन मशीन सेटअप कॉस्ट देन ओवर स्टॉक कॉस्ट ये हमारी आती है अदर कॉस्ट में अब हम अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे हम स्टॉक को अपना मैनेज uh, करें कैसे कंट्रोल करें अब हम समझेंगे कितने क्या क्या, -क्या तरीके हमारे पास टेक्निक्स अवेलेबल हैं है, स्टॉक कंट्रोल करने की आइए शुरू करते हैं सबसे पहले एबीसी एनालिसिस एबीसी एनालिसिस इज अ टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल जो कहता है अपने स्टॉक आइटम्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड करिए ए बी और सी ए कैटेगरी ऑफ आइटम्स वो आइटम्स होंगे जिनमें आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्ट जो टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक है वो सेवेंटी परसेंट है और जो क्वांटिटी है वो टेन परसेंट यानी वैल्यूएशन ज़्यादा है वैल्यू ज़्यादा है स्टॉक की और क्वांटिटी में कम है सेकेंड बी कैटेगरी ऑफ आइटम्स ट्वेंटी परसेंट क्वान्टिटी और ट्वेंटी परसेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक देन सी कैटेगरी ऑफ आइटम्स आर आइटम्स जिसमें वैल्यू दस परसेंट है बट क्वान्टिटी में सेवेंटी परसेंट है टिज तो इट इज बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ मतलब इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो स्टॉक की है एंड क्वांटिटी ऑफ स्टॉक यानी कि आप ए बी अपने स्टॉक आइटम्स को ऐसे कैटेगराइज किए ए बी सी में मतलब जिनमें आपके क्वांटिटी कम है स्टॉक वैल्यू ज़्यादा है तो ए आइटम बी क्वांटिटी भी मॉडरेट है और वैल्यू भी उतना ज़्यादा नहीं है तो बी एन सी कैटेगरी ऑफ आइटम कौन से होंगे जो वैल्यूएशन में कम है बट क्वांटिटी ज़्यादा है तो जो ए कैटेगरी ऑफ आइटम्स हैं उन पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि उनकी वैल्यूएशन ज़्यादा क्वान्टिटी में कम है B कैटेगरी ऑफ आइटम्स मॉडरेट कंट्रोल एंड C कैटेगरी ऑफ आइटम लूज कंट्रोल हो सकता है एक बार देखते हैं एबीसी एनालिसिस एबीसी एनालिसिस ए कैटेगरी ऑफ आइटम कंसिस्ट ऑफ ओनली 10% बट रिक्वाइर हाई इन्वेस्टमेंट ऑफ 70% तो इट रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट कंट्रोल बी कैटेगरी ऑफ आइटम्स रिक्वायर मॉडरेट कंट्रोल यानी कि क्वांटिटी में भी कम है और वैल्यूएशन भी उतना ज़्यादा नहीं है देन सी कैटेगरी ऑफ आइटम्स इसमें आप फ्री कंट्रोल भी रख सकते हैं या लूज कंट्रोल यानी कि बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रखना है क्योंकि क्वांटिटी में ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट वैल्यू बहुत कम है ये होता है एबीसी एनालिसिस ए कैटेगरी ऑफ आइटम बी कैटेगरी ऑफ आइटम एंड सी कैटेगरी ए में हाइयर कंट्रोल बी में मॉडरेट कंट्रोल भी चलेगा सी में आप फ्री कंट्रोल भी मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखने के स्टॉक्स की जरूरत नहीं है ये कहता है ए एनालिसिस नेक्स्ट है जी एनालिसिस जी माने जस्ट इन टाइम एनालिसिस ये जो टेक्निक है जापान में इन्वेंटेड हुई है नाइनटीन के आसपास जो टोयोटा कार है सबसे पहले उसने अडॉप्ट किया था इस टेक्निक को ये टेक्निक का कॉन्सेप्ट ये है कि ये बोलता है कि आप जो स्टॉक लेवल है उसको मिनिमम रखें मतलब जब आपको स्टॉक की रिक्वायरमेंट है तभी आप ऑर्डर प्लेस करें अपने सप्लाई चेन को इतना मजबूत रखें कि जब आप ऑर्डर करें आपको प्रोडक्ट इमिडिएटली अवेलेबल हो जाए मतलब स्टॉक की स्टोरेज कॉस्ट पे ज़्यादा पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है यही होता है हमारा जी एनालिसिस जी एनालिसिस कंसेप्ट इज टू रिड्यूज स्टॉक लेवल्स टू मिनिमम अरेंज मोर फ्रिक्वेंट डिलीवरीज अचीव थ्रू क्लोज कोऑपरेशन बिटवीन परचेजिंग कंपनी एंड सप्लायर यानी कि जो आपकी स्टोरेज कॉस्ट है जो हम लोगों ने डिस्कस की थी वो आप मिनिमम रखें तो जितना कम स्टोरेज कॉस्ट उतना अच्छा तो जस्ट इन टाइम कहते हैं, मतलब प्लेस ऑर्डर एज वेल एज इट इज़ रिक्वायर्ड यानी कि स्टॉक जब आपको चाहिए तभी आप ऑर्डर प्लेस करें यानी कि सप्लाई चेन को आप मजबूत रखें स्टॉक इन्वेंट्री लेवल को मिनिमम रखें कम से कम स्टॉक लेवल हो उतना ही अच्छा है नेक्स्ट है आपका परेटो एनालिसिस जैसा कि एबीसी एनालिसिस में हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं परेटो एनालिसिस कहता है कि जो आपके ट्वेंटी परसेंट ऑफ स्टोर आइटम्स हैं और जिनकी वैल्यू एट्टी परसेंट है उनको आप एक कैटेगरी में रखें देन दूसरी कैटेगरी होगी जिनकी क्वान्टिटी एट्टी परसेंट है स्टोर आइटम की बट वैल्यूएशन जो वैल्यू है वो ट्वेंटी परसेंट है उनको अलग कैटेगरी में रखें तो उन आइटम्स पे ज्यादा फोकस रखें जिनकी वैल्यू एटी परसेंट है बट आइटम्स उनका वो क्वांटिटी जो है वो ट्वेंटी परसेंट और जो जो जिनमें एट्टी परसेंट ऑफ क्वांटिटी और ट्वेंटी परसेंट ऑफ वैल्यू है, है उन पर आप थोड़ा कम ध्यान रखें ये कहता है परेटो एनालिसिस नेक्स्ट है आपका वीडियो एनालिसिस वीडी एनालिसिस डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्शन की क्रिटिकलिटी पर कि प्रोडक्शन में वो रॉ मटेरियल कितना क्रिटिकल है उसकी वाइटल वाइटेट वाइटिटी पर और एसेंशियल कितना है वो या डिजायरेबल कितना है यानी कि प्रोडक्ट कितना वाइटल है हमारे लिए प्रोडक्शन के लिए कितना एसेंशियल है एंड कितना डिज़ायरेबल है उस पर डिपेंड करता है कि आप उस पर कितना कंट्रोल रखेंगे वाइटल स्टॉक uh, वो होगा यानी कि अगर वो स्टॉक नहीं होगा तो प्रोडक्शन हमारा रुक जाएगा उसकी वजह से प्रोडक्शन हमारा रुक जाएगा कि उसका स्टॉक आउट हुआ एसेंशियल यानी अगर स्टॉक आउट हुआ तो प्रोडक्शन मतलब कुछ टाइम तो चल सकता है लेकिन उसके बाद वो रुक जाएगा डिजायरेबल यानी स्टॉक आउट की सिचुएशन में प्रोडक्शन हमारा रुकेगा नहीं हफ्ते दो हफ्ते चलता रहेगा तो प्रोडक्ट की वा, कितना वाइटल है कितना एसेंशियल है और कितना डिजायरेबल उस पर डिपेंड करता है वही होता है वीडी एनालिसिस यानी वाइटल एसेंशियल एंड डिजायरेबल इज डन टू कंट्रोल स्पेयर पार्ट वाइटल एसेंशियल एंड डिजायरेबल स्टॉकआउट फॉर शॉर्ट टाइम विल स्टॉप प्रोडक्शन फॉर समट स्टॉक आउट फॉर फ्यूअर्स विल स्टॉप प्रोडक्शन डिजायरेबल स्टॉक आउट फॉर इवन अ वीक विल नॉट स्टॉप प्रोडक्शन तो प्रोडक्शन प्रोसेस की क्रिटिकलिटी पर डिपेंड करता है कि हम किस प्रोडक्ट को कितना वाइटल मानेंगे कितना एशेंशियल एंड कितना डिजायरेबल ये होता है वी डी एनालिसिस नेक्स्ट है एफ एस एन एनालिसिस यानी कि आइटम को ऐसे डिवाइड करिए कौन सा फास्ट मूविंग है कौन सा जल्दी जल्दी यूज़ हो रहा है जल्दी सेल आउट हो रहा है और जल्दी प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है कौन सा स्लो मूविंग है कभी होता है कभी नहीं होता है एंड कौन सा नॉन मूविंग है फास्ट मूविंग पे ज्यादा ध्यान रखना है विच रिक्वायर्स मोर अटेंशन स्लो मूविंग पे मॉडरेट ध्यान रखना है और नॉन मूविंग को तो डिस्पोज ऑफ करना है वो हमारी जरूरत का प्रोडक्ट या जरूरत का रॉ मटेरियल नहीं है नेक्स्ट है एच डी एनालिसिस एच डी एनालिसिस डिपेंड करता है मटेरियल की अवेलेबिलिटी पर कि मटेरियल की अवेलेबिलिटी क्या है वेदर डिफिकल्ट टू प्रिक्योर है ईजी टू प्रिक्योर है मटेरियल स्केयर्स है तो उस पर डिपेंड करता है कि हमें कितना कंट्रोल करना है तो एच डी एनालिसिस स्टैंड फॉर स्के डिफिकल्ट टू प्रिक्योर और इजी टू प्रिक्योर। सो एच डी एनालिसिस हेल्प्स टू अवॉइड आउट द स्टॉक पोजिशन इन ऑफ आइटम्स बाय मैनेजमेंट विद रेफरेंस टू देयर फ्री अवेलेबिलिटी यानी कि उसकी अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है एच डी यानी स्केरसिटी आइटम है ल्ट टू प्रिक्योर है या इजी टू प्रोर इनपे बहुत ज्यादा जो आइटम स्केयर है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और प्रॉपरली मैनेज करना है डिफिकल्ट टू प्रिक्योर है उनपे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है लेकिन जो इजी टू प्रोर है उनपे ज्यादा ध्यान रखना यह तो आपको जब को भी आइटम चाहिए होगा वो आपको मिल जाएगा यही होता है एस डी एनालिसिस नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अभी तक हम लोगों ने देखा क्या टेक्निक्स हैं इन्वेंट्री को मैनेज करने की किस किस तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हैं अपने आइटम को इन्वेंट्री कंट्रोल करने के लिए नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी कि आप किस लॉट साइज में ऑर्डर करें स्टॉक को कि आपका जो होल्डिंग कॉस्ट है और जो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो मिनिमम हो यानी जो स्टॉक्स एसोसिएटेड कॉस्ट है मेनली ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट वो मिनिमम हो आपकी जो एनुअल जो रिक्वायरमेंट हो सकती है डिमांड हो सकती है वो लेट से एक लाख यूनिट हो सकती है तो क्या वो आप एक लाख यूनिट को एक साथ मंगाएंगे या धीरे धीरे करके मंगाएंगे तो इकोनॉमिक ऑर्डर ऑर्डर क्वांटिटी एक साइंटिफिक फॉर्मूला है जो आपको बताएगा कि आप कितनी लॉट साइज में अपने ऑर्डर को प्लेस करें जिससे आपकी स्टोरेज कॉस्ट और होल्डिंग स्टोरेज कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम हो ये होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी ईओ और फिज ऑर्डर क्वान्टिटी सिस्टम टेक्निक ऑफ ऑर्डरिंग मटेरियल स्टॉक रिच इज द री ऑर्डर पॉइंट विद द कॉस्ट ऑफ प्रिक्योरमेंट एंड हैंडलिंग ऑफ इन्वेंट्री एट ऑप्टिम लेवल एंड टोटल कॉस्ट यहाँ यानी कि जहाँ पे स्टोरेज कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम हो आपको लेट से एक लाख चाहिए परिये तो एक लाख आप एक साथ नहीं मंगएंगे आप इस उस इकोनॉमिक लॉट साइज में मंगाएंगे जहां पे आपको स्टोरेज कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम हो ये आपकी मिनिमम हो इन दिस टेक्निक द ऑर्डर क्वांटिटी इज लार्जर देन अ सिंगल पीरियड्स रिक्वायरमेंट सो दैट ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड हैंडलिंग कॉस्ट बैलेंस आउट ये आपका फॉर्मूला है रूट टू इन टू एनुअल यूसेज देन आपको ऑर्डर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाय एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट अब भी कुछ एक्समशन हैं क्या आपको ये मान के चलना है कि ये होल्ड करेगा कि आपका डिमांड जो है प्रोडक्ट का वो कांस्टेंट है मतलब यानी कि एक लाख यूनिट अगर डिमांड है तो एक लाख ही रहेगी हर हर बार लीड टाइम इज कांस्टेंट लीड टाइम यानी इंटेंट से लेके लेकर प्लेस करने से लेके प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल का फैक्ट्री तक आने तक जो भी टाइम लैग होता है लेट से फिफ्टीन डेज वो आपका लीड टाइम होता है देन प्राइस पर यूनिट इज कॉन्स्टेंट इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज बेस्ड ऑन एवरेज इन्वेंट्री देन ऑर्डरिंग कॉस्ट आर कॉन्स्टेंट पर ऑर्डर देन ऑल डिमांड्स फॉर द प्रोडक्ट विल बी सेटिस्फाइड ये एक्जम्शन है ई ओ क्यू के ई क्यू के एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं एक प्रोडक्ट है उसके एनुअल यूसेज है टू थाउजेंड कॉस्ट ऑफ ऑर्डर है फिफ्टी इन्वेंट्री कैरियर रेट है ट्वेंटी फाइव परसेंट देन आइटम की कॉस्ट है एट तो ई ओ क्यू आप निकाल सकते हैं अंडर रू टू इन एनुअल यूसेज इंटू एक्विजीशन कॉस्ट पर ऑर्डर और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम जो कि आता है थ्री वन सिक्स यानी दो हज़ार यूनिट आपकी रिक्वायरमेंट है लेकिन अगर आप तीन सौ सो सोलह के बैचेस में मंगवाएंगे तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है और स्टोरेज कॉस्ट है वो सबसे मिनिमम होगी अगर आप एक साथ दो हज़ार रुपये का ऑर्डर प्लेस कर देंगे तो आपकी स्टोरेज कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम हो जाएगी तो वाई से वर्षा ऐसे। थ्री वन सिक्स के बैचेस में मंगाने जहां पे आपके स्टोरेज और ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम होगी देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है लीड टाइम एंड सेटिंग ऑफ स्टॉक लेवल्स। लीड टाइम जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इंड से रेस होने से परचेज एक्विजिशन के प्लेस होने तक जो रिजर यूजर डिपार्टमेंट रेस करता है फिर सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करते हैं और स्टॉक के रॉ मटेरियल के फैक्ट्री तक आने तक जो टाइम होता है वो होता है लीड टाइम यानी कि हर स्टॉक जब भी आप स्टॉक का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपको तुरंत नहीं मिलेगा आपका एक लीड टाइम होगा जो कि इंटरनल लीड टाइम होगा एक्सटर्नल लीड टाइम होगा विद इन द प्रमाइसिस आपको कुछ टाइम लगेगा फिर सप्लायर आपका कुछ टाइम लेगा तो टोटल लीड टाइम होता है उसे हम कहते हैं कि कितना आपका टाइम लेग है ऑर्डर प्लेस करने से लेकर फैक्ट्री में आइटम आने तक वो होता है लीड टाइम देन सेटिंग ऑफ स्टॉक लेवल्स सबसे पहले आता है मिनिमम ऑर्डर लेवल मिनिमम ऑर्डर लेवल मतलब वो लेवल ऑफ स्टॉक जो आपके आपको हमेशा मेंटेन करना है मतलब उससे नीचे अगर गए तो आपको स्टॉकआउट की पोजीशन आ सकते हैं मतलब आपकी जो डेली डिमांड है और इनटू जो आपका लेग टाइम है जो लीड टाइम है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मिनिमम ऑर्डर लेवल आएगा आपको डेली 50 क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है और 15 डेज है तो 15 इंटू फिफ्टी सेवन आपको पर मतलब मिनिमम ऑर्डर लेवल सेवन रखना ही पड़ेगा उससे कम गए तो आपको स्टॉकआउट की सिचुएशन आ सकती है कभी आपका ऑर्डर प्लेस किया देर से आया तो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस रुक भी सकता है और अगर आप फिनिश गुड्स में डील कर रहे हैं तो आपका अल्टीमेट लॉस ऑफ सेल्स हो सकता है तो मिनिमम वाटर इज दैट लेवल जो आपको हमेशा मेंटेन करना है जैसे क्वांटिटी ऑफ मटेरियल डिराइव बाय कैलकुलेटिंग एवरेज डेली कंजम्पशन डेली क्या कंजम्पशन है और मटेरियल मटीरियल मल्टीप्लाई टोटल लीड टाइम फॉर एक्जाम्पल एवरेज डेली कंजम्पशन ऑफ फाइव परसेंट डे इज फिफ्टी बॉटल एंड द टोटल लीड टाइम इज थर्टी डेज द मिनिमम ऑर्डर लेवल इज फिफ्टीन यानी फिफ्टीन क्वांटिटी आपको मेनटेन करना ही पड़ेगा दैट इज मिनिमम ऑर्डर लेवल यानी कि इससे कम अगर आप जाएंगे तो आपको सिचुएशन आ जाएगी स्टॉक आउट की देन आता है आपका बफर स्टॉक इट इज ओवर एंड अब मिनिमम ऑर्डर लेवल यानी कि इमरजेंसी के केस में आपको थोड़ा सा बचा के रखना पड़ेगा स्टॉक इन एडिशन टू मिनिमम ऑर्डर वैल्यू वी नीड टू हैव समथिंग इन एक्स्ट्रा टू आउट एनी कंटिन्यूंसी किसी इमरजेंसी केस में ही आपको अपन को एक्स्ट्रा रखना पड़ता है जिसको कैलकुलेट करते हैं जो मैक्सिमम डेली कंजम्पशन है माइनस एवरेज डेली कंजम्पशन है इंटू टोटल लीड टाइम यानी एवरेज डेली कंजम्पशन तो हमने मंगाई लिया मिनिमम ऑर्डर लेवल तो मेनटेन कर ही रहे हैं उसके बाद जो मैक्सिमम कंजम्पशन है उसमें से हमने डेली कंजम्पशन एवरेज कंजम्पशन माइनस कर दिया उसको लीड टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा बफर स्टॉक आ जाएगा देन आता है रीऑर्डर लेवल रीऑर्डर लेवल माने सिंपल मिनिमम ऑर्डर लेवल प्लस बफर स्टॉक के बाद हम जो ऑर्डर प्लेस करेंगे दैट इज रीऑर्डर लेवल यानी कब आप अपना नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करेंगे वो होता है रीऑर्डर लेवल दिस इज द पॉइंट एट विच वी हैव टू प्लेस द ऑर्डर फॉर प्रक्योरमेंट फॉर रिप्लेसिंग द स्टॉक डिराइड बाय द फॉर्मला दैट इज मिनिमम ऑर्डर लेवल प्लस बफर स्टॉक इसके बाद आपको ऑर्डर प्लेस करने मतलब मैक्सिमम ऑर्डर लेवल सो मैक्सिमम स्टॉक जो हम होल्ड करेंगे तो मैक्सिमम स्टॉक जो हम होल्ड करेंगे दैट इज मैक्सिमम ऑर्डर लेवल मतलब उससे ऊपर हम ऑर्डर नहीं मतलब उससे ऊपर हम इन्वेंटरी मेंटेन नहीं करेंगे नेक्स्ट है टू बिन सिस्टम टू बिन और टू और थ्री बिन सिस्टम इन्वॉल्व्स टू कंटेनर्स ऑफ द सेम स्टॉक आइटम व्हेन वन कंटेनर बिकम्स एम्पिटी यू यूज द सेकेंड कंटेनर एज अ बैकअप यानी कि आप इसमें बिनस यूज़ कर सकते हैं करते हैं इन्वेंट्री को होल्ड करने के लिए एक अगर एम हो जाता है मतलब एक बैकअप के लिए रखते हैं जैसे ही जो आपका मेन बिन uh, है वो यूज़ हो जाता है तो उसको आप रिप्लेस कर देंगे जो भरा हुआ बिन है उससे और फिर उसको आप फिर भरने के लिए ले जाएंगे और फिर एक बैकअप के लिए रखेंगे तो टू बिन और थ्री बिन भी कहते हैं थ्री बिन यूज़ होते हैं जिसमें आपका इन्वेंट्री होल्ड होता है वही होता है आपका टू बिन सिस्टम नेक्स्ट है यूज ऑफ परफेक्चुअल इन्वेंट्री मैथड यानी कि आपका रियल टाइम पे इन्वेंट्री अपडेट होना आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके स्टॉक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके रियल टाइम पे अपने इन्वेंट्री को कंट्रोल करें और मैनेज करें दिस सिस्टम कैलकुलेट्स इन्वेंट्री बेस्ड ऑन द सेल एंड परचेज बाय द पॉइंट ऑफ सेल एंड एसेट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यानी कि जैसे ही सेल हुआ हमारा स्टॉक आउट मतलब स्टॉक उसमें आउट हो जाएगा और हमें अपडेट क्लियरली दिखेगा एक्यूरेट पोजिशन दिखेगी कितना स्टॉक है एट ईच पॉइंट ऑफ टाइम देन दिस वे यू हैव एक्यूरेट स्टॉक ऑन हैंड अकाउंटिंग एट अ ऑल टाइम्स परपेचुअल ट्रैकिंग इज द बेस्ट वे टू अवॉइड स्टॉक आउट वेन योर कस्टमर्स डिप्लीट इन्वेंट्री ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट विद द परपेचुअल सिस्टम यू कैन अचीव मिनिमम एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट विद द गुड्स द चैलेंजेस ऑफ दिस सिस्टम अकर वेन यू यूज इट विदाउट ऑल्सो परफॉर्मिंग द फिजिकल इन्वेंट्री फिजिकल इन्वेंट्री तो आपको परफॉर्म इस मेथड में करनी पड़ेगी in other words the recorded inventory may not accurately reflect what is physically in stock as time goes by never mind accounting for drop shipments or inventory on an order you must account for breakage stolen goods or loss to ensure the system is accurate further errors and improperly scanned items affect the inventory records you can handle this mathematically by applying correction that mostly account for these

जो लास्ट में वो पहले बिकेगा दैट इज लीफो एंड एंडीफो अज्यूम्स दैट गुड फर्स्ट एडिट टू द इनवेंट्री विल बी फर्स्ट सोड यानी पेरिशेबल गुड्स के केस में फीफो अप्लाई हो सकता है कि आप पहले जो आ रहा है पहले आप वही स्टॉक आउट करेंगे दैट इज फीफो एंड लीफो एक बार एम्पेरिजन देखते हैं फीफो लीफो में फीफो में इट कीप्स योर सीओजीएस लो योर इन्वेंट्री वैल्यूशन फिगर हाई इन्फ्लेशन की वजह से सीओ जी एस लो रहती है क्योंकि जो पहले है वो पहले जाएगा दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर पेरिशेबल गुड्स बुक कीपिंग थोड़ी ईजियर हो जाती है ओनली अप्रूव ऑप्शन फॉर इंटरनेशनल बिजनेस यानी यूनिवर्सली रिकोगनाइज है लीफो इट कैन बी डिसवानस इन द टाइम ऑफ हाई इन्फ्लेशन जब फ्रिक्वेंटली हमारा स्टॉक मतलब यूनिट कॉस्ट चेंज होती है उस केस में ये आपका डिसएडवाटेज फॉर्मो हो सकता है देन कैन पेंट अ डिस्टोर्टेड पिक्चर ऑफ योर फाइनेंशियल करेक्ट पिक्चर नहीं दिखा सकते अगर इन्फ्लेशन का केस है देन आपका लिफो कैन लोअर्स अ कंपनी टैक्सीबल इनकम यानी कि जो बाद में आएगा वो पहले जाएगा कैन लोअर अंपनीज टैक्सबल इनकम प्रोवाइड्स बेनिफिट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन इज ओनली परमिसिबल फॉर डोमेस्टिक सेल्स बुक कीपिंग इज मोर कॉम्प्लिकेटेड अंडर दिस सिस्टम दैट इज अफो एंड फीफो मैथड होप जो भी आज हमने डिस्कस किया अबाउट इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल वो आपको क्लियर हुआ कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप हमसे जूम मीटिंग के थ्रू कनेक्ट करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं थैंक यू सो मच